टमाटर की महंगी कीमतों ने आम लोगों की जान निकाल रखी है, तो बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अब इससे अछूते नहीं रहे हैं। कम से कम गाजियाबाद की एक बड़ी सोसाइटी से सामने आई वीडियो से तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ सस्ते टमाटर के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सोसाइटी में लोग कम महंगा टमाटर खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो आम जनता पर इस महंगाई का क्या असर होगा, कहने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि कभी नोटबंदी की लाइन, कभी रोजगार दफ्तर की लाइन, कभी बैंकों में KYC की लाइन, अगले चुनाव में जनता लाइन लगाकर भाजपा को बाहर कर देगी। अखिलेश ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लोग टमाटर खरीदने के लिए एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं। गाजियाबाद की सोसाइटी में 130 रुपए प्रति किलो टमाटर बिकने की जानकारी लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग सस्ते टमाटर खरीदने के लिए उमड़ पड़े। गाजियाबाद की सोसाइटी में सस्ते टमाटर का इंतजाम गाजियाबाद नगर निगम ने किया था। नगर निगम ने महागुनपुरम में सब्सिडी पर 130 रुपए प्रति किलो टमाटर की व्यवस्था की थी। जब सस्ते टमाटर की बात सोसाइटी में फैली तो घरों से निकलकर लोग बैंक के पास आ पहुंचे। देखते ही देखते यहां भारी भीड़ जमा हो गई। टमाटर बेचने वाले लोगों को परेशानी होने लगी, फिर उन्होंने लाइन लगाने को कहा। इतनी भीड़ थी कि 100 मीटर तक लोगों की लाइन लगी हुई नजर आ रही है। लाइन में ज्यादातर महिलाएं ही नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।